मौलाना साहब, ये जो यौम अशूरा है इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं उसी तरफ आ रहा था कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, और इसका जो दूसरा पहलू है वो है ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। बिल्कुल, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आप अपना अकीदा मुझ पर मुसल्लत करें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपना नज़रिया अगर मुसल्लत करना चाहते हैं और मैं नहीं मानता आप मुझे कत्ल कर दें। अच्छा, ये नहीं होता, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में आपको ला इकराह फी दीन, कुरान की आयत है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हर शख्स को इख्तियार है जो वो अकीदा अपना अपनाए, जो नज़रिया अपनाए उसके मुताबिक उसके साथ सलूक होगा। अगर वो अच्छा अपनाता है, सही अपनाता है, तो यकीनन वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा, और अगर वो बुरा अकीदा अपनाता है, एक आदमी है कि जो अच्छाई को बुराई कहता है या अच्छे काम करने की बजाय ऐसे बुरे काम करता है कि जिसे हर अकलमंद बुरा कहता है, तो वो दीन कहता है कि उसमें तुम्हें हक नहीं है कि तुम जबरन उससे तौहीद को मनवाओ, रिसालत को मनवाओ, कुरान को मनवाओ, जबर नहीं है दीन में। दीन में यही वो वजह थी कि जो यजीद ने अपने दौर में जबर के ज़रिए लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश की, ताकत के बलबूते पर उसने कहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं बस वही हुक्म खुदा है, वही दीन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नाना ने जो दीन पहुंचाया था उस दीन में जबर नहीं है, आमरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, मैं नहीं मानूंगा कि तुम लोगों से ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत को बनवाओ। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी हर पेशकश को ठुकरा दिया, बड़ी पेशकशें की उसने। यजीद इब्ने मुआविया ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से हुसैन इब्ने अली को अपने रास्ते पर ले आए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इस्लाम में मुलुकियत का कोई गुंजाइश नहीं है, डिक्टेटरशिप की कोई गुंजाइश नहीं है, किंगडम की कोई गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में आज़ादी है और इस आज़ादी के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। आज हम ये जो आशूरा मनाते हैं, दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसी पैगाम के साथ हम तजदीद अहद करते हैं कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें आज़ाद बनाया है, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो हम पर मुसल्लत होकर अपनी बात मनवाए। हम अल्लाह की बात मानने को हर लम्हा अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात में ये बात मिलती है। इमाम ने फरमाया कि मुझे कत्ल कर दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं जो रास्ता इख्तियार कर चुका हूँ उसमें दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह के दीन को मुआशरे में आम करना, दूसरा लोगों को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता करना। इमाम ने फरमाया कि इज़्ज़त की ज़िंदगी इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया मखलूक खुदा इज़्ज़त के साथ रहे, और अगर ऐसा नहीं है, ज़िल्लत की ज़िंदगी आती है, तो फिर इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर। बहुत बहुत खूबसूरत, ये वो वजह थी कि जो आज हम चाहते हैं कि उसी पैगाम को आम किया जाए। आशूरा में क्या हुआ, एक ज़ालिम ने अपनी ताकत, मादी ताकत के ज़रिए उस इजहार राय की आज़ादी और इंसानी हक को दबाने की कोशिश की। इमाम ने फरमाया ऐसा नहीं होगा, और हम उसी की याद मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे होते। ये आशूरा और ये मुहर्रम, ये 10 दिन एक अलामत है दर हकीकत उस पैगाम हुसैनी की, उस मकसद हुसैनी के साथ तजदीद अहद की, कि हम उसके साथ अपने अहद को तजदीद करते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं। और आपने सुना होगा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार आवाज़ दी, है कोई जो मेरी मदद करे। वो मदद इसलिए नहीं मांग रहे थे कि उन्हें ख़तरा ये था कि मेरी जान बच जाएगी कोई आएगा तो, नहीं, वो ये चाह रहे थे कि जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो मैसेज स्प्रेड कयामत तक के लिए उसका साथ देना ही मेरी मदद है। अगर कोई शख्स मेरे इस मकसद को साथ लेकर ज़िंदगी में चलता है वो मेरा नासिर है, वो मेरा मददगार है। आज हम यहाँ इसलिए आशूरा मनाते हैं, दरअसल ज़ालिम से नफ़रत,
بلکہ ظلم سے نفرت, مظلوم سے محبت اور مظلومیت سے محبت. ہم